हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल आशा सक्सेना। आज हम इन कर्ली हेयर में, जैसा कि आप देख रहे हैं, फुल्ली मल्टी स्टेप हेयर कटिंग शेयर करने जा रहे हैं। और ये हेयर कटिंग कर्ली हेयर में काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो हमने सबसे पहले अच्छे से वाटर स्प्रे किया है, जिससे कि हेयर का जो कर्ल है थोड़ा सा कम हो जाए। और अब टेंगल रिमूव हमने किया, और उसके बाद में देखिए, हम इस तरह से कॉम करके सेंटर पार्टिंग करेंगे। और सेंटर पार्टिंग करके हमने हेयर को दो भागों में डिवाइड कर दिया। पार्टिंग क्लियरिटी के साथ में होनी चाहिए, जिससे कि हेयर कटिंग का काम अच्छे से हो। हम कोई सेक्शन क्लिप नहीं लगाएंगे, केवल आपको हम सिंपल पार्टिंग करके हेयर कटिंग करके बताएंगे, कि क्योंकि कई बार पार्लर में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो हम जल्दी से जल्दी काम को करके फ्री होना चाहते हैं, जिससे कि आगे का काम हाथ में लें। और यहाँ हम देखिए वही कर रहे हैं, हमने नेक एरिया से हेयर को डिवाइड किया है, और डिवाइड करने के बाद में दोनों साइड के, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के नेक एरिया के हेयर को हमने मिक्स करके, ये देखिए हम लेकर आए। और अब हम पहले 0 डिग्री पर इन हेयर का कट करेंगे। लेंथ हम बहुत ज़्यादा कम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो थिन हेयर हैं उनको रिमूव करेंगे। ये देखिए 3 इंच के लगभग के हेयर का हम कट कर रहे हैं, और ये 0 डिग्री से हमने कट किया। लेंथ जितनी हमको लेनी है उतना हमने कट किया है। एक बार फिर फिनिशिंग देंगे, और उसके बाद में देखिए ये हमारी गाइडलाइन हो गई। इन हेयर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, राइट हैंड साइड के हेयर में और लेफ्ट हैंड साइड के हेयर में। पहले दोस्तों हम राइट हैंड साइड के हेयर का कट करेंगे, और ये देखिए अब हमने जो हेयर हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया फिर से, और जो गाइडलाइन हमने बनाई वो इन हेयर में मिक्स कर दी। और मिक्स करने के बाद में हम वही काम करेंगे जो गाइडलाइन है उससे मैच करते हुए हम कट कर देंगे। ये देखिए आप, और फिर हमने जो 2 पार्ट में हेयर करे थे, तो लास्ट वाले जो हेयर रह गए उनको भी मिक्स किया, और उनको भी उसी गाइडलाइन के अनुसार कट कर दिया। इस तरह से राइट हैंड साइड के हेयर का हमने 0 डिग्री पर कट करके हेयर को बिल्कुल लेवल में कर दिया, इक्वल हेयर हो गए। और अब हम देखिए इस तरह से ईयर के पास से हेयर को लेकर जाएंगे स्ट्रेट बिल्कुल, और साइड में ले जाते हुए जो गाइडलाइन है उससे मैच करते हुए हमने कट किया। एक बार फिर से देखिए, हम अब और भी हाइट पर हेयर को कॉम करते हुए ले जाएंगे, और ये हमारा 90 डिग्री पर हम सारे हेयर को कॉम करके ले गए। और आप देखिए ये इस तरह से जो गाइडलाइन के बाहर हेयर हैं उनका हमने कट किया। राइट हैंड साइड के ये हेयर देखिए कितनी जल्दी कट हो गए, और बिल्कुल इक्वल हेयर हमको नज़र आ रहे हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के हेयर का भी सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये हमने हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में हमने जो गाइडलाइन का कट किया था, गाइडलाइन अपनी बनाई थी लेंथ के अनुसार, उसमें मिक्स किया हेयर को, और फिर हम उसी लेंथ के अनुसार गाइडलाइन से टच करते हुए हेयर का कट किया। ये कट देखिए 3 इंच के लगभग का हो रहा है। और अब हमने जो 2 पार्ट में डिवीजन किया था उनको भी मिक्स कर दिया, और इन हेयर को वही हम बिल्कुल साइड पे स्ट्रेट लेकर गए। और फिंगर को देखिए
ग्रिपिंग के साथ में हमने जो एक्स्ट्रा हेयर हमको नज़र आ रहे हैं उनका हम कट करेंगे। एक बार फिर से देखिए आप, हमने अच्छे से कॉम्ब किया और वही जो लेंथ हमारी गाइडलाइन वाली है उससे मैच करते हुए हमने हेयर का कट किया। ये लेफ्ट हैंड साइड के हेयर का भी हमने जो लेंथ हमको रखनी थी हमने हेयर को ही रख ली। अब बिल्कुल ईयर के सीध में हम हेयर को लेकर गए और वही देखिए छोटे बड़े हेयर जो हमको दिखाई दे रहे हैं उनका हमने कट किया। ये कट बहुत ही जल्दी देखिए हमने किया है, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे। अब इन हेयर को कॉम्ब करते हुए हम फिर वही राइट हैंड साइड की तरह ऊपर की साइड में लेकर गए और जो गाइडलाइन से बाहर हेयर है उनका हमने कट किया। एक बार फिर से सारे हेयर को हम कॉम्ब करते हुए बिल्कुल 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे ऊपर और जो छोटे बड़े हेयर नज़र आ रहे हैं उनका हम कट करेंगे। ये देखिए हमने फिनिशिंग दोबारा से दी थी और अब हम सारे हेयर को 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे और इन हेयर को ऊपर ले जाकर जो गाइडलाइन से बाहर हेयर होंगे उनका हम कट करेंगे। सेम हमने राइट हैंड साइड में इसी तरह किया था। जब तक हमको गाइडलाइन के बाहर हेयर नज़र आएंगे हम कट करेंगे, जिससे कि हमारा हेयर कट बिल्कुल इक्वल होगा और कोई नाप तोल की आवश्यकता नहीं होगी। ये देखिए एक बार फिर से हम चेक करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लेकर गए 90 डिग्री पर और ये हमको कुछ हेयर बड़े नज़र आ रहे हैं गाइडलाइन के बाहर, उनका हमने कट किया। देखिए दोस्तों कितनी जल्दी ये हेयर कट हो गया और केवल 0 डिग्री और 90 डिग्री और 75 डिग्री हमने लिया है और इन हेयर का हमने 3 डिग्री में कट किया। और अब हम स्टेप्स लेने के लिए क्राउन एरिया से हेयर को सेपरेट कर रहे हैं। ये हमने जो क्राउन एरिया वाले पोर्शन को शेप लेकर हेयर को लिया है वो क्लियरिटी के साथ में होना चाहिए, जिससे कि हमारा हेयर कट बहुत ही अच्छा शो हो। और जब क्लियरिटी के साथ में हम पार्टिंग करते हैं, हेयर को सेपरेट करते हैं, तो हेयर कट हमारा बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स हमने काफ़ी सारे वीडियोस मल्टी स्टेप्स के पोस्ट किए हुए हैं, आपने देखे होंगे और विश्वास से पसंद भी आए होंगे, लेकिन हर बार हम अलग अंदाज में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये देखिए क्राउन एरिया वाले हेयर का हमने जो बड़े हेयर नज़र आ रहे थे उनका कट किया और ये कट कम्प्लीटली फिनिशिंग के साथ में हमारे सामने तैयार हो गया। आपने देखा होगा प्लेलिस्ट में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टाइमलाइन पर, बॉम्बे ब्यूटी पार्लर के नाम से पेज फेसबुक पर है, वो देखा होगा और विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया है हेयर कटिंग का। और आपको अगर हमारा ये काम, हमारे काम करने की स्टाइल पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फ्रंट पोर्शन का